गाइस तो मैं ले चाहता हूँ आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज के पास। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घुटने की सर्जरी हो गई है। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करते हुए धोनी के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। इस चोट के बाद भी वह लगातार खेल रहे थे। इनकी कप्तानी में टीम ने 5वीं बार लीग का खिताब जीता। टीम को चैंपियन बनाने के बाद 41 साल के धोनी ने सर्जरी करवाने का फैसला किया। नई सुपर किंग के अस्पताल और सूत्रों ने क्रिकेट कवच को बताया कि ऑपरेशन ठीक हुआ और भारत के पूर्व कप्तान पूरी तरह से फिट हैं। डिस्चार्ज होने से पहले कुछ और दिनों के लिए अस्पताल में रहेंगे। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने खुलासा किया कि गुरुवार सुबह सर्जरी के बाद उन्होंने धोनी से बात की। सीएसके के अधिकारी ने पुष्टि की, ऑपरेशन के बाद मैंने उनसे बात की, मैं यह समझा नहीं सकता सर्जरी क्या है, लेकिन सर्जरी एक होल है, वह हमारी बातचीत से ठीक लग रहे। स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने धोनी की सर्जरी की, इससे पहले उन्होंने भारतीय टीम के विकेट कीपर शिशभ पंत का भी ऑपरेशन किया था। पंत को कार एक्सीडेंट में घुटने ही में ही चोट लगी थी। मुंबई के कोकिला बेल अस्पताल में धोनी का ऑपरेशन किया गया। धोनी की पत्नी साक्षी अस्पताल के उनके साथ हैं, कल ही अस्पताल में भर्ती हुए। महेंद्र सिंह धोनी को पूरी तरह से फिट होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। वैसे भी धोनी अब सिर्फ आईपीएल में खेलते हैं। उन्होंने फाइनल में जीत हासिल करने के बाद कहा कि वह अगला सीजन खेलने की पूरी कोशिश करेंगे।